Assalamu alaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. Today we are going to discuss digestion in stomach. और हम देखेंगे कि human digestive system में stomach के अंदर digestion का process कैसे होता है. तो हमारे पास ये एक stomach की diagram है. तो सबसे पहले हम stomach की location का मैं आपको बताता हूँ. स्टमक जो है वो हमारे जिस्म में एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के दरमियान में लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के दो कैविटीज़ हैं, एक एब्डोमिनल कैविटी है और एक थोरेसिक कैविटी है जो कि सीने की कैविटी है. उन दोनों के दरमियान में एक मस्कुलर शीट होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं. डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी स्टमक जो है ये मौजूद होता है. स्टमक जो है ये हमारे एलिमेंट्री कनाल का एक फूला हुआ बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बच्चों में एक अखरोट के साइज़ के बराबर होता है न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, और बड़ों में इसकी कैपेसिटी तकरीबन 2 से 4 लीटर तक हो सकती है. तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर उसके बाद इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे. तो आइए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं. तो ये सबसे ऊपर ग़िज़ा की नाली है जिसे इसोफेगस कहते हैं. इसोफेगस जो है ये ग़िज़ा की नाली स्टमक के अंदर ओपन होती है. तो ये हमारे पास एक स्टमक है, उसका स्ट्रक्चर है. स्टमक के हम दो हिस्से कर लेते हैं. एक उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक पोर्शन, और एक नीचे वाला हिस्सा होता है जिसे पाइलोरिक पोर्शन कहा जाता है. अगर हम कार्डियक हिस्से की बात करें तो इसके ऊपर एक छोटा सा उभार होता है जिसे फंडस बोला जाता है. इस फंडस के नीचे स्टमक की बॉडी है. यह हमारी बॉडी में इस तरीके से मौजूद होता है कि ये दो तरह के कर्वेचर बनाता है. इस तरफ वाला जो कर्वेचर है, कर्व है, इसे लेसर कर्वेचर कहते हैं, और इस तरह वाला जो कर्व है इसे हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं. जो कार्डियक पोर्शन है स्टमक का, उसके और इसोफेगस जो कि ग़िज़ा की नाली है उसके दरमियान में एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जो कि कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता है. कार्डियक स्फिंक्टर जो है ये इसके जो मसल हैं वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं ताकि स्टमक की जो कंटेंट्स हैं वो हमारे इसोफेगस में ना जा सकें. इसलिए ये जो मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये टाइटली जो हैं ये बंद रहते हैं. इसी तरीके से अगर हम पाइलोरिक पोर्शन पर आते हैं जो कि बॉटम पोर्शन ऑफ स्टमक है, इसके और आगे छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है उसे ड्यूडिनम कहा जाता है. इन दोनों के दरमियान में भी एक स्फिंक्टर मौजूद है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं. पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान होता है, और ये भी टाइटली बंद रहता है, और यहाँ से ग़िज़ा थोड़ी थोड़ी करके स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करती है. तो इस तरीके से ये हमारे स्टमक के जो हैं वो कुछ अहम पार्ट्स हैं. अब यहाँ से मैंने क्या किया है कि छोटा सा एक पीस जो है उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो काट कर आपके सामने शो किया है ताकि हम इसके स्टमक की जो वॉल है उसके स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस कर सकें. अगर हम स्टमक की वॉल का जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर मैंने आपके सामने बनाया है, इसको अगर हम देखते हैं तो पता ही चलता है कि इसके अंदर 3 लेयर्स हैं. जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसे म्यूकोसा कहते हैं. अब ये म्यूकोसा जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और तकरीबन यहाँ तक चलती है. ये जो म्यूकोसा है इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं. म्यूकोसा के बिल्कुल नीचे एक लेयर है जिसे सब म्यूकोसा कहा जाता है. ये म्यूकस म्यूकोसा के बिल्कुल नीचे होती है. सब म्यूकोसा के नीचे फिर आगे एक मसल्स की लेयर है जिसे हम बोलते हैं मस्कुलैरिस एक्सटर्ना. मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, इसमें 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं. नंबर 1 ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये ओब्लीक मसल है. ये थोड़े से तिरछे जो हैं वो स्टमक की वॉल के अंदर लगे होते हैं.
उसके बाद ग्रीन कलर का आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सर्कुलर मसल हैं, ये स्टमक की गोलाई में सर्कमफेरेंस में लगे होते हैं। और जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं, ये स्टमक की लंबाई में जो हैं वो लगे होते हैं। तो इस तरीके से क्रिस क्रॉस मेथड के ज़रिए लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के रुख, सर्कुलर गोलाई में और ओब्लिक तिरछे मसल जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरवोवन होते हैं और स्टमक की एक मिडल लेयर बनाते हैं जिसे मस्कुलरस एक्सटर्ना कहते हैं। इन मसल्स की लेयर के नीचे फिर एक और लेयर है जिसे सिरोसा कहते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो इस तरीके से हमारी जो स्टमक की वॉल है वो काफ़ी मजबूत होती है और ग्लैंडुलर होती है और मस्कुलर भी होती है। अब अगर हम इसके म्यूकोसा की बात करें तो म्यूकोसा के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ब्लैक कलर में, ये असल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो कि म्यूकोसा के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं इनमें कैविटी होती है जिसके अंदर सेक्रीशन प्रोड्यूस होती है, और ये जो सेक्रीशन है ये छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं जिन्हें गैस्ट्रिक पिट्स कहा जाता है। ये भी गैस्ट्रिक पिट्स ऐसे ही हैं जैसे आपकी जिस्म की स्किन के ऊपर बारीक बारीक पोर्स होते हैं जिनसे पसीना निकलता है, बिल्कुल ऐसे ही ये छोटे छोटे ओपनिंग हैं जो कि हमारे स्टमक की अंदरूनी दीवार के अंदर मौजूद होते हैं। और जब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं अपनी सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं तो गैस्ट्रिक पिट्स के ज़रिए ये सेक्रीशन स्टमक के अंदर आ जाती है और ग़िज़ा की डाइजेशन में हेल्प करती है। अब हम मैंने क्या किया है कि यहाँ से छोटा सा एक पीस जो है यहाँ से काट कर उसको हमने एनलार्ज कर लिया ताकि इसके सेल्स को स्टडी किया जा सके जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर मौजूद होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर हमें दो तरह के सेल्स नज़र आ रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे इकसाम के होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे दो तरह के सेल जो हैं वो प्रोमिनेंट किए हैं। उनमें एक ऑक्सेंटिक सेल हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करते हैं, यहाँ पर आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो ज़ाइमोजन सेल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के नज़र आ रही हैं। ये पेप्सिनोजन जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है वो प्रोड्यूस करते हैं। जब ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं तो ये इस कैविटी के अंदर जो कि ल्यूमन कहलाती है यहाँ पर ये जो सेक्रीशंस हैं वो आ जाती हैं। यहाँ से फिर ये सेक्रीशन इस ल्यूमन के ज़रिए ऊपर मूव करती हैं और यहाँ से गैस्ट्रिक पिट्स के ज़रिए स्टमक के अंदर आ जाती हैं जहाँ पर ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगी। अगर हम ओवरऑल बहुत बात करें तो हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं जो कि स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं इसमें बुनियादी तौर पर तीन तरह के सेल होते हैं। नंबर वन म्यूकस सेल, नंबर टू ऑक्सेंटिक सेल, नंबर थ्री ज़ाइमोजन सेल्स। अगर हम म्यूकस सेल की बात करें तो ये म्यूकस पैदा करते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ एक मिक्सचर होता है जो हमारे स्टमक की अंदरूनी दीवारों के ऊपर जो है वो लाइन करता है और हमारे स्टमक को डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाता है। दूसरे नंबर पर जो सेल्स हैं वो हैं ऑक्सेंटिक सेल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोड्यूस करते हैं। HCl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। ये स्टमक की pH को 2 से लेकर 3 तक मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये ग़िज़ा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, और नंबर थ्री ये ग़िज़ा को सॉफ्ट करने में भी अपना किरदार अदा करता है। तीसरे नंबर पर जो सेल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं ज़ाइमोजन सेल्स। ज़ाइमोजन सेल जो हैं ये पेप्सिनोजन पैदा करते हैं। पेप्सिनोजन जो है ये एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है जिसको इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रीट किया जाता है, क्योंकि अगर ये एक्टिव फॉर्म में सेक्रीट किया जाए तो ये हमारे स्टमक की वॉल जो कि प्रोटीन की ही बनी होती हैं उनको डाइजेस्ट कर देगा, इसलिए इसको आमतौर पर इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रीट किया जाता है। अब यहाँ पर हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे कि स्टमक जो है इसका बुनियादी तौर पर रोल क्या है, फंक्शन क्या है। बुनियादी तौर पर जो हमारा स्टमक है, मैदा है, इसके तीन बुनियादी फंक्शन है। नंबर वन, जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं, खाना खाते हैं, तो डिसकंटीन्यूअस फीडिंग को पॉसिबल बनाने के लिए हमारा जो स्टमक है ये ग़िज़ा को कुछ घंटों के लिए स्टोर करने के काम आता है। नंबर टू, ग़िज़ा जो है उसको चर्निंग करने के लिए, उसको पीसने के लिए और इसको आगे दूसरे हिस्से में मूव करवाने के लिए स्टमक जो है उसके अंदर मसल्स होते हैं जो ग़िज़ा की चर्निंग करते हैं, एंजाइम्स के साथ मिक्सिंग करने के भी काम आता है। इसके अलावा इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन पार्ट ऑफ द फूड जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। अब सपोज़ कर लेते हैं कि आप किसी ऐसी पार्टी पर चले गए हैं जहाँ पर आपको कुछ ऐसा खाने को मिल रहा है जिसमें प्रोटीन नहीं है,
मिसाल के तौर पर कोई कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लिपिड्स हैं, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड पार्ट आपके स्टमक में आएंगे वो आसानी के साथ यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे कुछ अरसे के लिए, और थोड़े थोड़े करके आगे उनको ड्यूडेनम में भेजा जाएगा, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मोस्टली डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम के अंदर होती है। लेकिन अगर आप कोई प्रोटीन पार्ट जैसे अंडे हैं, दालें हैं, गोश्त है, मछली है, चिकन है, वो आपने खा लिया है, तो जैसे ही प्रोटीन पार्ट जो है वो आपके स्टमक में आता है, तो आपके स्टमक की लाइनिंग जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है। इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसे गैस्ट्रिन कहते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये अपने ग्लैंड से निकलने के बाद ब्लड में शामिल हो जाता है। ब्लड में शामिल होने के बाद ये हमारे दोबारा फिर सर्कुलेट करता हुआ स्टमक की वॉल के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं तो उसके जो सेल्स हैं, म्यूकस सेल, ऑक्सेंटिक सेल और जाइमोजन सेल, ये गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं। आपको पता है गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिनोजन है। अब उसमें जब प्रोटीन ज़्यादा हमारे जिस्म में स्टमक के अंदर आ जाती है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिनोजन जो कि क्योंकि इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिव बनाना होता है। उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो आयन्स हैं वो हिस्सा लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एच पॉजिटिव आयन जो हैं वो पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही पेप्सिन एक्टिव हो जाता है तो ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में या शॉर्टर पेप्टाइड चेन में डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, और इस तरीके से प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है, और हमारा जो मैदा है, हमारा जो स्टमक है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हिस्सा लेता है। अब जब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा होता है और ये पेप्सिन जो है ये बन जाता है, तो ये अब क्वेश्चन ये है कि हमारे स्टमक की वॉल को क्यों नहीं डाइजेस्ट करता। तो मैंने अभी आपको बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं वो म्यूकस सेल के अंदर म्यूकस पैदा करते हैं। अब ये जो म्यूकस है ये हमारे स्टमक की जो अंदरूनी लाइनिंग है यहाँ पर एक लेयर बना देता है। तो जब पेप्सिन स्टमक की वॉल के साथ टच करता है तो वहाँ पर मौजूद म्यूकस जो है वो पेप्सिन जो है सॉरी HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ही HCl न्यूट्रलाइज हो जाता है तो वहाँ पर जो पेप्सिन है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, यानी पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होता। जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पर HCl काफ़ी तादाद में मौजूद होता है, वहाँ पर पेप्सिनोजन एक्टिवेट होकर पेप्सिन में तब्दील हो जाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन म्यूकस की मौजूदगी में HCl जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज हो जाने की वजह से वहाँ पर पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, लिहाजा हमारी स्टमक की जो दीवार है वो डाइजेस्ट होने से बच जाती है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने, कुदरत ने स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई हुई है जो हमारे स्टमक को, हमारे स्टमक की वॉल को पेप्सिन के हार्मफुल इफेक्ट से जो है वो महफूज रखती है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली गज़ाएँ खाने से, चाट मसाले वाली गज़ाएँ खाने से ये म्यूकस की लेयर अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो एंजाइम जो हैं वो हमारे स्टमक की वॉल के साथ अटैक करेंगे, जिसके नतीजे में वहाँ पे सोर बन जाएगा, ज़ख़म बन जाएगा, जिसे गैस्ट्रिक अल्सर का नाम दिया जाता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा देर तक ये कंडीशन रहे तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो मैदे में सुराख भी कर सकता है। उसके बाद जब ये गज़ा जो है हमारे स्टमक में जो मौजूद होती है, प्रोटीन है या नॉन प्रोटीन पार्ट है, यहाँ पर स्टमक की वॉल के अंदर जो मसल्स हैं जो कि उसकी मिडल लेयर में मौजूद हैं, ओब्लीक मसल हैं, सर्कुलर मसल हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे स्टमक की अंदरूनी दीवारों में सिलवटें सी पड़ जाती हैं, लहरें सी बन जाती हैं, जिन्हें रिउजी कहा जाता है। ये रिउजी जो हैं ये गज़ा को अच्छे तरीके से एंजाइम्स के साथ मिक्स करने में और फूड को इंटीरियर पोर्शन से पोस्टीरियर पोर्शन में भेजने में काम आती हैं। लेकिन जैसे ही हमारा मसल ऑफ स्टमक जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं तो ये जो रिउजी हैं ये ख़त्म हो जाते हैं और स्टमक जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इनको उस वक्त ज़्यादा फील किया जा सकता है जब हम खाली पेट होते हैं, हमारा स्टमक जो है वो एम्प्टी होता है, तो उसके अंदर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब हो रही होती है तो एक तरह के हंगर पैंग्स जो हैं वो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जब फूड जो है वो पार्टली यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाती है तो उसके बाद वो पार्टली एक सूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फूड के पार्टिकल्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड मटीरियल होता है, जिसे चाइम का नाम दिया जाता है। ये जो चाइम है यहाँ पर फिर आगे पाइलोरिक जो स्फिंक्टर है वो बंद होता है, यहाँ से फिर चाइम को थोड़ा थोड़ा करके आगे ड्यूडिनम में जो है वो भेजा जाता है, जहाँ पर बाकी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
सिमिलरली मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कार्डियक स्फिंक्टर है जो हमारे स्टमक के कंटेंट को वापस इसोफेगस में जाने से रोकता है, लेकिन बाज़ औक़ात जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या खाना खाने के बाद फौरी तौर पर लेट जाते हैं या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली गज़ा खाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो सम टाइम ये जो गैस्ट्रिक एसिड है ये हमारे कार्डियक स्फिंक्टर से निकल कर इसोफेगस में आ जाता है। अब इसोफेगस में जो म्यूकस लेयर होती है वो बहुत बारीक होती है जिससे वहाँ पर बहुत जल्दी वो डैमेज हो जाती है और हमारे सीने में जलन शुरू हो जाती है, गले में खट्टा पानी आता है, तेजाबी पानी आता है, कड़वाहट वाला पानी आता है जिसे हम पायरोसिस या हार्ट बर्न का नाम देते हैं। तो इसलिए खाना खाने का असूल ये होता है कि अगर आप अपने स्टमक के तीन हिस्से खा लें, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, खाना खाने से पहले पानी पी लें जो कि सुन्नत भी है, उसके बाद आप थोड़ा सा खाना खाएं 7-8 नवाले या छोटी सी एक प्लेट खाने का या एक रोटी या जो भी आपकी भूख है, एक हिस्सा स्टमक का एम्प्टी रहने दें ताकि वहाँ पर हवा जो है वो मौजूद रहे। ये तिब्बे नबवी और सुन्नत भी है कि खाना जो है वो हवा रख के या पेट भर कर ना खाया जाए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। तो जब हम मुनासिब मकदार में खाना खाएंगे तो हमारा स्टमक कभी भी अपसेट नहीं होगा, कभी पायरोसिस की शिकायत नहीं होगी, कभी हार्ट बर्न नहीं होगा, कभी तजाबियत नहीं होगी, कभी इस तरीके के दूसरे प्रॉब्लम जो हैं वो नहीं आएंगे। तो अपने मेदे का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो इस तरीके से आज हमने स्टमक जो है उसके स्ट्रक्चर को और उसके कुछ फंक्शंस को जो है वो डिस्कस किया है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इसको अगर आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।